शुद्ध देसी रोमांस की कहानी तीन किरदारों रघु यानी सुशांत सिंह राजपूत, गायत्री यानी प्रणीति चोपड़ा और तारा यानी वाणी कपूर के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी जयपुर शहर से शुरू होकर यही खत्म होती है। रघु टूरिस्ट गाइड है। यहाँ आने वाले देसी विदेशी टूरिस्ट को इस शहर की प्राचीन विरासत और कल्चर की जानकारी मुहैया कराने में अव्वल रघु का नज़रिया दूसरों से अलग है। रघु की इस आदत के चलते मैरिज बिजनेस से जुड़े ताऊजी यानी ऋषि कपूर भी परेशान हैं, क्योंकि रघु अक्सर अपनी बात पर भी टिका नहीं रह पाता। गायत्री की सोच नेक्स्ट की है। उसके दिमाग में जो भी है उसे वह पल पर भी अंदर नहीं रख पाती। इसी कारण गायत्री को उसके नज़दीकी भी बोल्ड मानते हैं। रघु और गायत्री के बीच में कुछ कुछ पकने लगता है। रिजर्व स्वभाव के रघु की नज़रों में गायत्री कुछ ज़्यादा बोल्ड है। एक दूसरे के करीब आने के बाद दोनों एक साथ रहते रहते मैरिज का फैसला भी कर लेते हैं। दूसरी ओर गायत्री खुद इस शादी को लेकर असमंजस में है। शादी के एन दिन कुछ ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। गायत्री के जाने के बाद रघु की लाइफ में तारा आती है। तारा से कुछ मुलाकातों के बाद रघु इस बार ताऊ जी की सलाह मानकर उससे शादी करने का फैसला कर ही लेता है। रघु को अब उस पल का इंतजार है जब वह तारा के सामने अपना प्रपोजल रख सके। रघु अभी तारा के सामने प्रपोजल रख भी नहीं पाता कि एक बार फिर गायत्री उसके सामने आ जाती है। रघु, गायत्री और तारा मिलते हैं और यहीं से कहानी में नया टर्न पॉइंट आता है। कई पहुँचे फिल्म के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने फिर अपने फैंस को निराश नहीं किया है। उन्होंने अपने जीवंत अभिनय से रघु के किरदार को कुछ इस अंदाज में पेश किया है जिसे देख यंग क्राउड खुद में ही न कहीं रघु की झलक पाता है। सुशांत ने किस सीन भी इस स्टाइल में करने की कोशिश की है जिनमें अश्लीलता कम से कम हो। प्रणीति चोपड़ा के हिस्से में इस बार फिर ऐसे बोल्ड डायलॉग्स आए जो उनकी पिछली फिल्म इश्क ज्यादे में उनके किरदार की याद दिलाते हैं। आने वाले दिनों में प्रणीति को ऐसे ही बोल्ड इमेज से बाहर आना होगा। वाणी कपूर ने अपने किरदार को निभा भर दिया है। इस फील्ड में अगर वाणी कपूर को लंबा सफर तय करना है तो उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है।